हेलो क्लास सेकंड डे, नाउ योर ईवीएस पीरियड स्टार्ट्स। ओपन योर ईवीएस नोटबुक। ईवीएस में हम लोग कौन से चैप्टर में थे? चैप्टर नंबर 3। कौन सा सब्जेक्ट है? ईवीएस। ठीक है, चैप्टर कौन सा था? 3। क्लास कौन सी है? सेकंड ए। ठीक है, चैप्टर 3 में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, और मैचिंग कल पढ़ी थी हम लोग, कल पढ़ी थी हम लोगों ने। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन एंड आंसर। सब बच्चे हेडिंग डालो क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सब बच्चे हेडिंग डालो क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेगा, उससे पहले कुछ चीज़ें रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? स्मॉल फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं हम लोग? व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली? स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। ठीक, सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है? सिंगल पेरेंट फैमिली वो होती है जो अपने वन और मोर चिल्ड्रन लिव आइदर देयर फादर और मदर, फादर और मदर के साथ रहती है, वो सिंगल पेरेंट फैमिली होती है। पेरेंट्स किसको कहते हैं? मदर एंड फादर को। सिबलिंग्स किसे कहते हैं? कजन्स को, सॉरी भाई और बहन को, है ना। स्मॉल फैमिली को हम लोग न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, और पेरेंट्स के बारे में आपको पता ही है, चैप्टर में हमको पढ़ाया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली, सॉरी न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? ठीक है, आंसर है, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ फैमिली वेयर पेरेंट्स, ऐसी फैमिली जहाँ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, लिव टुगेदर। चिल्ड्रेन लिव टुगेदर, ठीक है, इस कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली, इस कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि स्मॉल फैमिली को ही न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। ठीक है, कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली? वो फैमिली जहाँ पेरेंट्स और चिल्ड्रेन लिव टुगेदर, साथ में रहते हैं, इस कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। ठीक, अ फैमिली वेयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। वो फैमिली जहाँ पेरेंट्स और चिल्ड्रेन साथ में रहते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल व्हाट इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है? ठीक है, सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है? तो हम लोग देखते हैं, वन और मोर चिल्ड्रन, वन और मोर चिल्ड्रन
वन और मोर चिल्ड्रन लिव विद, ठीक है, वन और मोर चिल्ड्रन लिव विद आइदर, लिव विद आइदर देयर मदर और फादर, ठीक है, मदर और फादर के साथ, ठीक है, मदर और फादर, मदर और फादर, सच फैमिली इज कॉल्ड अ सच फैमिली इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली, ठीक है, सिंगल पेरेंट फैमिली, ओके बेटा। वन और मोर चिल्ड्रन लिव विद आइदर देयर मदर और फादर, किसी भी के साथ रहती है वो फैमिली क्या कहलाती है, सिंगल पेरेंट फैमिली, क्या कहलाती है, सिंगल पेरेंट फैमिली। एक बार यहाँ क्वेश्चन और देख लेते हैं, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, अ फैमिली वेयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर, वो फैमिली जहाँ पेरेंट्स और चिल्ड्रन साथ में रहते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली को ही स्मॉल फैमिली कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली, वन और मदर, वन और मोर चिल्ड्रन लिव विद आइदर देयर मदर और फादर के साथ रहते हैं जो, सच फैमिली इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली, वो फैमिली को हम लोग सिंगल पेरेंट फैमिली ही बोलते हैं, ओके। ये आप लोगों को लर्न करना है, अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे, फेयर कॉपी में साफ साफ राइटिंग में करना है। थैंक यू।